वन नेशन वन इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं, स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन एक साथ हो जाने चाहिए। आपने कहा आप आइडिया सपोर्ट करते हैं, मेरे को उसको सपोर्ट करना होगा कि हम वन गवर्नमेंट की तरफ जाने की सोच रहे हैं क्या। प्राइम मिनिस्टर बिल लाने की अपने स्पेशल सेशन में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन एक साथ हो जाने चाहिए। आपने कहा आप आइडिया सपोर्ट करते हैं, इस पे और आपके क्या ख्याल है सर? इसमें जब तक एक देश एक गवर्नमेंट ना हो जी, और हमारा संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहे, उस पे कहीं से आंच ना आए, तब तक सब ठीक है। अगर फेडरल स्ट्रक्चर पे ही आंच आ गई तो चिंता की बात है, और मुझे शंकाएं रहती हैं मोदी जी और उनके साथियों के विचारों पे कि आखिर उनका अंतिम उद्देश्य क्या है। इलेक्शन एक साथ होना, तो आजादी के समय एक साथ इलेक्शन होते थे, आजादी के बाद जो पहले इलेक्शन हुए शायद 60 के दशक तक एक साथ ही होते थे जी। उसके बाद से गवर्नमेंट गिरती गई तो बीच बीच में इलेक्शन होने लगे जी सर, और ऐसी स्थिति बनी है सर। लेकिन आप इस आइडिया को कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं सर? कम्प्लीट सपोर्ट की बात नहीं रहती कि इसमें पक्ष में क्या है विपक्ष में क्या बात है जी। एक साथ इलेक्शन होते हैं तो हमारे पंचायती राज के इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं जी, नगरी निकाय के इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं। 5 साल के टर्म में अगर कोई विधायक किसी कारण से या तो पद त्याग देते हैं या दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो जाती है तो शेष समय के लिए ही वो विधायक बनते हैं या पंचायती राज या नगरी निकाय में काम करने का मौका मिलता है जी। 5 साल के लिए नहीं होता जी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कोई नई बात नहीं है, नई सोच नहीं है। इसको पैकेज करके ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म करने का प्रयास हो रहा है जी। उसमें राज्य की जो संवेदनाएं हैं उनकी जो शंकाएं हैं सभी राज्यों की जी, उसको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ राज्य हैं जहां एक साथ हो रहे हैं इलेक्शन आज भी जी। तो सर आप मतलब इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं? हाँ सर, अगर हाँ या ना में जवाब लेना चाहूँ तो व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं एक पार्टी का भी प्रतिनिधि हूँ, पार्टी के स्टैंड के बारे में मुझे जानकारी नहीं है जी। ऑफिशियली पार्टी का जो स्टैंड आएगा जी, मेरे को उसको सपोर्ट करना होगा जी। व्यक्तिगत मेरे से अगर आप पूछेंगे जी, तो इसमें दूरगामी तात्कालिक कर्नाटक की गवर्नमेंट दोबारा चुनाव में जाएगी, हिमाचल की गवर्नमेंट दोबारा चुनाव में जाएगी जहां कांग्रेस जीती है, तो व्यक्तिगत उनकी क्या सोच है ये एक अलग इशू है। ये एक अलग इशू है सर, ये एक अहम सवाल है सर, क्योंकि वापस री इलेक्शन भी होल्ड किए जाएंगे कई सारी जगहों पे जहाँ पे कांग्रेस, जैसा कि आपने कहा, तो सर आपको लगता है कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है? क्योंकि अगर पॉजिटिव्स की ध्यान दें तो पॉजिटिव्स तो हैं सर, नेगेटिव्स में ये है कि नेगेटिव्स में सिंक बैठा पाना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का लोकसभा के साथ बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इसमें एक बार शुरू में भी था जी, पहले से चला आ रहा था, तो एक बार ये व्यवस्था बनेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तात्कालिक उद्देश्य आपका क्या है? अगर तात्कालिक उद्देश्य में आप द्वेष है कहीं, उसमें शुद्ध विचार से आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर बात अलग हो जाती है। देखिए, एक देश एक टैक्स की बात आई, उसमें छत्तीसगढ़ को बहुत नुकसान हुआ है जी। जहां तक जीएसटी का सवाल है जी, तो एक टैक्स का रेट रहे जी, वो ठीक है जी। लेकिन राज्य के टैक्स का हिस्सा केंद्र सरकार को जाए ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है जी। तो उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप करेंगे जी, तो वन नेशन वन इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है जी। पर क्या हम वन नेशन वन इलेक्शन के आगे हम वन गवर्नमेंट की तरफ जाने की सोच रहे हैं क्या जी? यस, तो ये बड़ी चिंताओं की बात रहेगी सर। इसमें ये भी एक स्टडी कंडक्ट हुई थी सर, उसमें ये पता चला था कि वन नेशन वन इलेक्शन एक जो स्ट्रक्चर अगर तैयार हो जाता है तो स्टेट इश्यूज को कम तवज्जो दिया जाएगा, जो सेंट्रल पार्टी है सेंट्रल इश्यूज है वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज ले लेंगे, और सेंट्रल पार्टी ही कहीं ना कहीं लोगों का भी मत एक सेंट्रल पार्टी की तरफ ज्यादा जाएगा जो विनिंग रहेगी जी। इसीलिए मैंने ये कहा कि उनका इरादा क्या है जी। और छोटे लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि पंचायतों में भी जो काम हो रहे हैं उसमें अधिकारियों को निर्देश देने के लिए केंद्र की सरकार यहाँ के आईएएस अधिकारियों को बुला के कह रही है कि ऐसा करो ऐसा करो, ये पोस्टर बैनर लगाओ। यस सर, ये जो दखल केंद्र सरकार का बढ़ते जा रहा है ये बड़ी चिंता की बात है। अगर आप इलेक्शन 5 साल में ही कराना चाहते हैं तो आप राज्यों का 2.5 साल बात करिए, 5 साल के लिए केंद्र का जी सर।
सर ऑपोजिशन पार्टीज में शिवसेना और आम आदमी पार्टी भी अगेंस्ट है इसके। जी वो सबके अपने विचार आएंगे, जब इसका चिंतन होगा तो तर्क भी सामने आएगा जी, ये क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए जी। और जो जनता और मतदाता के हित में है, जो देश के नागरिकों के हित में है जी, ये फिर होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर इंडिया टुडे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।